ಯಂ ಪ್ರಪ್ರಜಂತುಮೇದ ವೃತ್ತಂ ದೈವಾಯನೋ ಗಿರಹಕಾತರಾಭೂತಯಮಾತು ನಮಃ ಪೂಜ ವಿಹಾರಣೆಯೇ ನಮಃ ಪೂಜ ವಿಹಾರಣೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿದಾಸಾಯ ಗುರುಣಾಮ ಗುರುನೇ
हैं, जो कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, बोले वो भगवान के हृदय में बस जाते हैं, यानी उनको भगवान अपने हृदय में बिठा दे। तो इसलिए भागवत में ये जो दशम स्कंद है, ये भगवान का हृदय हार्ट है। और जिस भक्त पर भगवान कृपा करके उसके लिए अपना हृदय कृष्ण खोल दे, देखो मेरे हृदय में क्या है। एक बार द्वारिका में नारद जी भगवान कृष्ण को मिलने के लिए गए। अक्सर नारद जी द्वारिका में निवास किया करते थे, क्योंकि नारद जी के ऊपर ये श्राप था ना, आप लोग जानते हैं कि कहीं ढाई बजे से ज़्यादा आप ठहर नहीं सकते। तो ये श्राप नारद जी के ऊपर द्वारिका में नहीं चलता था, द्वारिका से निकलते ही वो चलना शुरू कर देते। तो अक्सर निवास करते हुए द्वारिका में श्री नारद जी महाराज भगवान की लीला का दर्शन करते थे। तो एक दिन रुक्मणी जी के महलों में गए और पूछा, रुक्मणी जी भगवान कहाँ है? तो रुक्मणी जी ने कहा कि भगवान पूजा कर रहे हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा जगत तो उनकी पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, लेकिन वो किसकी पूजा ध्यान कर रहे हैं, किसकी आरती पूजा ध्यान? तो नारद जी ने कहा कि किस महल में? तो रुक्मणी जी ने कहा वो सामने वाला। तो नारद जी ने उस महल के दरवाजे पर खड़े होकर के जब झांक करके देखा, तो द्वारिका में उस महल के अंदर अनंत अनंत भक्तों की मूर्तियां लगी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की आरती उतार रहे थे। पूजा हो चुकी थी, भगवान आरती था। नारद जी की आंखों पर आंसू भर गए। प्रभु आप अपने भक्तों को इतना स्नेह इतना प्रेम से संचित करते रहे। Thank you.
you in.